लेट्स स्पीक निक आरे सर, ये इतना सुंदर है मैं क्या करूं क्या करूं। मिर्गल मय लैदा के कहै ना माया लैदा के को हेलो साथियों, हम सूरज जैन, वेलकम टू डर्टी व्हील्स। तो आज मैं निकला हूँ फर्स्ट पिकनिक ऑफ 2021 के लिए। ये जो पिकनिक है जिस ग्रुप के साथ मैं लेखावली राइड पे गया था, आरएसआर रॉयल सियांग राइडर्स, ये उनका पिकनिक है, इसीलिए मैं भी इनवाइटेड हूँ, तो मैं भी जा रहा हूँ साथ में, ऑल द बॉयज़ ऑफ आरएसआर। बात ऐसी है कि तचो भैया का फ़ोन आया है, वो बुला रहे हैं मुझे अपने शॉप पे, और ये हम पहुंच गए। ओह हियर इज तचो भैया, वेरी बिजी इन कॉल। सो वहाँ से तो हम निकल गए हैं और यहाँ दोबारा जो है स्टॉपेज लिया है हमारा, बाकी के साथ ये यहीं पे हैं। तो यहाँ पे सब थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं क्योंकि कुछ एक दो मेंबर्स हैं जो अभी थोड़ा सा जिनको लेट हो गया है, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। तब तक यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट चाय पानी चल रहा है, तो लेट्स गो इन। हमारे धोले भैया, हाय, नाइस, वेरी नीट एंड क्लीन बाइक। ये देखिए हमारे बुलेट डॉक्टर। हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी न्यू ईयर। Let's speak Nick Are sir. Here comes Savar Gadi bhaiya. Let's go. हम लोग को यहाँ से ऑफिशियली निकलते निकलते पिकनिक के लिए 11 बज चुका है। लोग यहाँ सेल्फी खींचते हुए सीधा जाएगा मैबो डम्बुक, और हमें लेना है यहाँ से लेफ्ट। कैमरा ऑफ करने का मन ही नहीं करता है गाइस, ये इतना सुंदर है मैं क्या करूं क्या करूं। लुक इन द मिरर, पीछे से पूरा लाइनअप चला आ रहा है, क्या कूल लग रहा है। तो एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट जो है ये है, यहाँ पे भी लोग आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ चार्जेस भी है शायद 100 रुपीज़ पर पिकनिक पार्टी, तो यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। इसी रास्ते पे आगे ना एक बहुत ही मस्त व्यू पॉइंट है गाइस, और वहीं कहीं पे रंगून मूवी का शूटिंग भी हुआ था, वन ऑफ द व्यू पॉइंट्स एंड अट्रैक्शन इन पासीघाट। और कुछ डिस्कशन चलते हुए, तो मैं जो बता रहा था जिस व्यू पॉइंट में आपको मैं दिखाऊंगा, ये वही व्यू पॉइंट है गाइस। एक फोटो सेशन ब्रो, वाइट लाइन का अंदर हो। ओके, ये स्टॉप है फोटो सेशन के लिए, अपन भी एक फ़ोटो खींचते हैं क्या। ओह क्या मस्त पोज दिया जा रहा है। तो आफ्टर द फोटो सेशन टाइम टू निकलो अगेन, टाइम टू निकलो अगेन, यस। तो ये मेन हाईवे से हम लोग आ रहे थे, और इसके बाद हमने एक डिटोर लिया है, आई गेस यहीं से आगे सीधा जाएगा वेन्यू के लिए। टर्निंग मजा है ना, बहुत एकदम मजा वाला टर्निंग है। ओ रोलर कोस्टर, ओ पेट में गुदगुदी हो रही है यार। नॉइस नॉइस, बुलेट डॉक्टर भी एकदम पूरा रेडी।
नया जगह अभी लग रहा है, ये जीरो विलेज। अच्छा क्या विलेज? जीरो। इसको ऐसे सकेगा क्या? बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज हो गया है। क्या बढ़िया पानी बा तो नहीं देखी। तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, अभी जो भी है सब काम स्टार्ट हो गया, सब कुछ सेटल हो गया है। वहाँ पीछे जो है कहीं पे समवेयर सब्जी धो रहे हैं, और वहाँ पे पीछे कहीं आग जल रहा है। एवरीवन इज सेटल डाउन। यहाँ में चल रहा है कुछ तैयारी, ब्रेकफास्ट का तैयारी चल रहा है इधर। रोस्टिंग के लिए, ऐसे रोस्टिंग करके यहाँ से हम लोग चटनी बनाएगा। रोस्ट करने के लिए ये बनाया जा रहा है, इसी सीख में डाला जाएगा। तो सीख कबाब का जो सीख होता है वो तैयार हो रहा है। एवरीथिंग नेचुरल। दिल दीवाना, दिल मुर्गी का दिल, मुर्गी का दिल दीवाना। यहाँ ओइंग ओइंग धुलाते हुए यस, अभी रोस्टिंग करेंगे इसको। अच्छा, इसको टुकड़ा बना रहे हैं। अच्छा, और ये सलाद का तैयारी हो रहा है। ओह, ये चाकू बहुत खतरनाक है। साथ में इसका वो टॉर्च भी लगा हुआ है। रात को भी नहीं बच सकता है, रात को भी नहीं बच सकते। तो दिस इज लोकल आदि योक्सिक, और इसका कवर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बुगरन है, मींस कवर है। अच्छा, बुगरन मींस कवर। ओके, अरे वो क्या है ना, वो ये है माइग्रेटरी बर्ड। जबरदस्त स्पेशल टेक्निक है बंदा को एकदम छोटा छोटा काटने का। और ये मिर्चा काटने का, और ये मिर्चा काटने का, और ये खाने का, और ये खाने का। ऐसे खाते हैं जब पहुँचे गए नहीं क्या नीचे तक, ऊपर में सब खत्म। दिन का 2 बज रहा है और पीछे सनसेट हो चुका है, मतलब 2 बजते बजते सनसेट ओवर। पीछे चारों तरफ देख सकते हैं आप, पूरा पहाड़ी पहाड़ है। सो दैट इज़ द रीज़न। अब ठंड लगने वाली है, और यहाँ का कहानी अभी तक कुछ ऐसा है, खाना पीना अभी हुआ नहीं है, पर खाने पीने से पहले जो मनोरंजन कार्यक्रम होता है, सब एक साथ बैठ के बातें करें, हंसी मजाक करें, वो सब चल रहा है अभी। तो अभी टाइम हो गया है खाना खाने का, वापस ऊपर जाते हैं और खाना खाते हैं, और जो भी यहाँ पे ट्रैश हुआ है वो सब को वापस उठा के ऊपर ले जाया जा रहा है। वहाँ पे डिस्पोज किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल, व्हेरेवर वी गो, व्हेरेवर वी डू पिकनिक, जहाँ भी हम लोग पिकनिक करते हैं, आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू क्लीन द एनवायरनमेंट। सो वी विल नॉट लीव एनी ट्रेस बिहाइंड। देखो इतना सुंदर जगह है हमारे यहाँ पे ना, तो हम यहाँ गंदगी करके कभी नहीं जाएंगे। क्या बोला? नहीं, जिस चीज़ को डांस करना कीजिए ना, जिस चीज़ को बीवी का टेंशन है वो खाना खा के जाइए। तो ये जो पत्थर हटाया जा रहा है, बात ऐसा है, उस बोलेरो को यहाँ पर लेके आना है। क्यों? तो म्यूज़िक सिस्टम जो अपना ढोल बाजा है वो अपना कोई लाया नहीं, एक्चुअली मिस हो गया। वो सोचा कि वो लाएगा, तब उस बोलेरो का स्पीकर पे हम लोग आज मचाएंगे, तो उसके लिए ये पत्थर उठाएंगे। तो ये आ रहा है हमारा स्पीकर, ये स्पीकर है क्या? हमने इसके लिए इतना मेहनत किया क्या? No, man, no.
This is Abin packed in ekam patta. ये आज का लंच एकदम ऑसम वाला सलाद. और ये फोकस में क्यों नहीं है? ये सलाद चिकन करी. नाइस. तो बहुत टेस्टी था खाना, तो दबा के खा लिया. अभी पैकिंग चल रहा है, वापस चलने का तैयारी. तो दोस्तों हो गया है दिन ऑलमोस्ट ख़त्म, पैकअप भी हो गया है. ये ताचो भैया बाय बाय करते हुए. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार पिकनिक. अरे भैया भैया दिखाई नहीं देगा. 1 2 3 जम नहीं क्या? फिर और ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा सब. लाइट मोड लाइट मोड. हाय हाय गाले बांधो गाले बांधो मेर गाले हाय पिकनिक के बाद एक और रस्म होती है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड टी पार्टी. तो पूरा ग्रुप यहाँ पे आया हुआ है. तो अभी हम जो है इस वक्त है वाइस चीफ के घर पे हैं. वो रखा मस्त स्टोरी स्पीकर, बोले तो फुल ऑन कैरियो के नाइट भाई, आग लगा देंगे आग. फाइनली अब मैं जा रहा हूँ घर. 9:30 हो चुके हैं. टी पार्टी में भी बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती किया यार. आई होप मुझे जितना मज़ा आया आपने भी उतना ही इन्जॉय किया होगा. तो अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, आपकी हिम्मत की दाद बहुत बहुत धन्यवाद. जल्द ही होगी अगले वीडियो में मुलाकात. तब तक के लिए बाय 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 बाय.